गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टू इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है. इसमें हम लोग क्या स्टडी करेंगे, इसमें हम लोग इक्विपमेंट्स या वेपन्स या जो भी चीजें जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस यूज करती है ड्यूरिंग वॉर्स या ड्यूरिंग पीस टाइम, तो इन सब चीजों को हम लोग क्या स्टडी करेंगे, किस तरह से हमारी आर्म फोर्सेज इनको यूज करती हैं, कौन कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है. आपके कई जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आपके आरएमएस में भी आ रहे हैं, आ रही है एमसीएल में, और सैनिक स्कूल में तो एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है. सो दिस इज द रीजन की आज हम इस टॉपिक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं. यस चिराग, व्हाई हैव यू रेज्ड योर हैंड? मैम जो इम्पोर्टेंट नोट होगी आप उनको अंडरलाइन कर दीजिए. हाँ जी मैं अंडरलाइन कर दूंगी. ओके चलिए देखिए, अब आपको पता है कि चलो रीड करना स्टार्ट करो, आप लोगों से रीडिंग भी करवानी है. चलो रीड करो यास्मीन, रीड दिस पेज. यस मैम, इंडिया बोस्ट्स ऑफ हैविंग द सेकंड लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड एंड आर्मी बैटल. स्टॉप स्टॉप, हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड है. चलिए नेक्स्ट. इन द वर्ल्ड एंड आर्मी बैटल had end on all possible types of Tejian from the icy heights of the Siachen Glacier to the deserts of Rajasthan and from the plains of Punjab to the forests of the northeast India due to unresolved border disputes and hostile neighbors is required to maintain a well-equipped armed force at all times. In this module, we shall learn about the major weapons and equipment that are presently in service in the armed forces of our country for ease of understanding the details of weapons and equipment are outlined as per the role and tasks of the various combat arms of the army, navy and air force. पता है आपको जो हमारी जो armed forces है बच्चा, वो जो different आपके challenge है वहाँ पे work करती है. like कहीं ice है तो वहाँ पे भी work कर रहे हैं. आपने देखा होगा कि soldiers जो है बेचारे ice में भी survive करते हैं, बहुत ज्यादा cold region में भी survive करते हैं, चाहे वो राजस्थान का desert है, चाहे बच्चा प्लेन्स है, चाहे माउंटेन्स है, सब जगह बच्चा वो क्या कर रहा है, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं. और सबसे ज्यादा इशू क्यों हो रहा है, अनरिजॉल्व्ड बॉर्डर डिस्प्यूट्स. ठीक है, अब इंडिया पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो गया. आपने सुना होगा कि चाइना भी हमारे कई अरुणाचल प्रदेश में कई जगह पे जो है कंट्रोल कर रहा है या उसने अपनी घुसपैठ बना ली है. सो ऐसे अनरिजॉल्व्ड बॉर्डर डिस्प्यूट्स की वजह से अगर हमारे ये जो सोल्जर्स हैं प्रोटेक्ट नहीं करेंगे हमारी बाउंड्रीज को, तो जो अफगानिस्तान का हाल हुआ है सून इंडिया का ऐसा हाल हो सकता है. बट थैंक्स टू आर आर्म्ड फोर्सेस के ऐसा नहीं हो पाया है. ऑल्सो बच्चा इन चीजों को कंटिन्यू करने में से पैसे नहीं कि आपके पास एक अच्छी आर्म्ड फोर्सेस हो तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो. आज के टाइम में वेपन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर लेटेस्ट वेपन्स हमारे पास नहीं है तो डेफिनेटली दूसरी जो आर्म्ड फोर्सेज है हमें इजिली डिपेंड कर सकती है. तो दिस इज द रीजन कि हमारे पास क्या होना चाहिए, बहुत वेल means latest technology के weapons and equipments हमारे पास होने चाहिए. Rohit read this slide one by one, आपको read करना है. चलिए. Yes ma'am. Over the centuries, it has always been the foot soldiers who had a lead and captured land in enemy territory. They also man our boundaries and have defended the territorial boundaries from invaders. History is replete with the valiant siege of scores of men who had defied odds to win battles for their armies. बच्चा अब यहाँ पे continue करो करते जाओ, इस slide को पूरा read करो. मैं पूरा read करना है. हाँ जी पूरा read करना है, करो पूरा read. Okay ma'am. Infantry is the major arm of the Indian Army. It is an arm of close combat with the tank of closing in with the enemy to physically assault and capture ground. It is also required to prevent aggression within. The infantry is evenly committed in undertaking counter insurgency and counter terrorist operation. To perform the assigned tasks, the infantry should be equipped with the under mentioned weapons and equipment.
ठीक है हमारे जो आपके इन्फेंट्री, इन्फेंट्री मीन्स क्या हो गया आपकी जो पैदल सेना है, ठीक है बच्चों वो हमारे क्या है मेन आर्म फॉर्म, ठीक है वो क्या करती है जितने भी फिजिकली असॉल्ट होते हैं या कैप्चर्ड ग्राउंड होते हैं, ठीक है जो अनरिजॉल्व बॉर्डर्स है वहाँ पे डेफिनेटली हमारी सेफ्टी कौन कर रहा है, यही लोग कर रहा है। तो जो इन्फेंट्री है या जो पैदल सेना है बच्चों वो किसी भी आर्म फोर्सेज का क्या होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। चलिए अब देखो यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही होंगी, लाइक असॉल्ट राइफल्स है आपके पास में यहाँ पे, या 9mm की आपके पास पिस्टल है, या फिर आपकी ये 9mm की ही स्टेम मशीन कंबाइन है। ऑल्सो बच्चा ये हमारे पास क्या है हैंड ग्राइंडर्स है जिसे कहते हैं ना जिसको माउथ से ओपन करना पड़ता है, आपने मूवीज में देखा होगा एंड देन आप क्या कर सकते हो उसको थ्रो कर सकते हो वहां पे जाके ब्लास्ट हो जाता है। चलो गार्गी रीड दिस। यस मैम। रीड करो फॉरवर्ड। सेंटेंस असॉल्ट राइफल्स स्टेन मशीन कॉर्बैन 9mm pistol and hand grenades are the personal weapons for the identified individual soldiers, officer carry one of these weapons along with hand grenades when they go to war, where you can identify them from the illustrations. Identify them from the illustration given 5.556 mm INSAS rifle fits AK-47 rifles, ठीक है। अब देखो ये जो बच्चा आपके ये इंडिविजुअल यूज के लिए है, ठीक है आपने देखा होगा जो इंडिविजुअल ऑफिसर जाते हैं यूजुअली, अभी देखा होगा कैप्टन विक्रम बत्रा की मूवी आई थी क्या नाम था उसका शेरशाह में उसने देखा होगा ना, तो वो ये इस वाली इसका यूज करता है वो देखा होगा अपने वॉर टाइम पे, सो ये वो काफी यूज करता है। और बच्चे इनके पास इंडिविजुअल यूज के लिए ये सारे जितने भी वेपन्स है ये इंडिविजुअल यूज के लिए, कीप दिस थिंग इन माइंड। अगर क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा इंडिविजुअल सोल्जर्स के लिए या इंडिविजुअल वेपन है तो बच्चे ये आपके इंडिविजुअल, ठीक है। सिंगल जो सोल्जर्स है वो अपने साथ ही हमेशा लाइक कोई पिस्टल ले ली उन्होंने या फिर ये हैंड ग्रेनेड ले लिया है, सो कोई सी भी एक चीज वो अपने साथ रखते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड करें आगे कंटिन्यू। अब देखो अब यहाँ पे इसको कौन रीड करेगा, अर्पिता रीड दिस स्लाइड। 5.56 mm लाइट मशीन गन, इट कैन फायर इफेक्टिवली अप टू 700 meters, इट इज एन ऑटोमेटिक गन एंड हैज अ हायर रेट ऑफ फायर देन एन असॉल्ट राइफल, इट इज यूजफुल इन ब्रेकिंग द एनिमी फॉर्मिंग ऑफ Up for final charge on own defenses. अब इसमें क्या होगा आपने देखा होगा ना मशीन गन का बेसिकली क्या होता है एक एक नहीं निकल रही वहां से गोली, एक साथ आपने देखा होगा ना ढेर सारी फायरिंग वो लोग कर देते हैं, ठीक है। रियल में तो मैंने भी नहीं देखा, मैंने बस मूवीज में ही देखा है। सो इसमें आपने देखा होगा मशीन गन्स होती है, इसमें पीछे से पूरी एक जो भी इसमें गोलियां जो फिल होती है आई थिंक वो उनकी पूरी एक साथ ही होती है, वो साथ में ही लगाते हैं वो और एक साथ ही सारी फायरिंग हो जाती है, ठीक है। तो इतने वेपन्स तो मैंने भी कभी देखे नहीं है ना मैंने कभी यूज किए हैं, तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, जो मैंने देखा है उसी बेसिस पे। यस अर्पिता। मैम मैंने थोड़े लेट क्लास ज्वाइन किए तो फिर हमें कैसे लिखना है? कोई नहीं यहीं से स्टार्ट करो, बाकी लेक्चर में से देख लेना, ओके। अभी बस हम लोग नॉर्मल इक्विपमेंट से यूज कर रहे हैं, ओके। चिराग देखो चिराग नोट्स बना रहा है, ठीक है। तो आपके 5.66 mm मशीन गन्स है। अभी जो इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता दूंगी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी बस थोड़ा सा एक आइडिया ले लो आप किस तरीके के वेपन्स यूज होते हैं। चलो चिराग रीड द स्लाइड। अब यहाँ पे एक और असॉल्ट राइफल आपकी आ गई, इक्वल AK-203, इज अ न्यू assault rifle which is in the process of beginning introduce into the
army introduced into the army, it will replace the INSAS weapons system, and it is manufactured as a joint venture between Russia and the Ordnance Factory Board in कोरबा अमेठी उत्तर प्रदेश. ठीक है, आप देखो अगर क्वेश्चन आपका इस तरीके से आ सकता है कि वो कौन सी राइफल है बच्चा जो रशिया एंड यूपी का जॉइंट वेंचर है. ठीक है, रशिया एंड यूपी का आप इसको नोट डाउन करते जाइए. तो राइफल AK-203 क्वेश्चन आपके ऐसे कुछ बनेंगे. अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने कहीं पे देखा भी था. ठीक है, ध्यान नहीं आ रहा मुझे मैंने कहाँ पे देखा था, बट ये क्वेश्चन देखा है मैंने. तो रशिया एंड यूपी का एक कहते हैं कि जॉइंट वेंचर है. तो दिस इज राइफल AK-203. नोट डाउन करो गार्गी, युवराज भारती. चलो बच्चा गेट रेडी नेक्स्ट स्लाइड. ऋषि देवान शंकु यू ऑल्सो. चलो युवराज गेट रेडी नेक्स्ट स्लाइड आपने रीड करनी है. आप रीड करिएगा तब तक मैं अटेंडेंस लूंगी. ओके चलो डन क्लास. कैन आई चेंज द स्लाइड? फाइन. यस अर्पिता. मैम हमें सिर्फ रशिया एंड उत्तर प्रदेश के नाम लिखने हैं. नहीं, ये भी लिखो ना जॉइंट वेंचर बिटवीन रशिया एंड उत्तर प्रदेश. AK-47-203 उसके आगे लिख दो जॉइंट वेंचर बिटवीन रशिया एंड उत्तर प्रदेश. ओके चलो युवराज रेडी नेक्स्ट स्लाइड इज फॉर यू. चलो युवराज रीड करो, मतलब तो अटेंडेंस हो गई. ओके यस मैम. 84 mm रॉकेट लॉन्चर, दिस इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय टैंक्स बंकर्स. Its can be used to illuminate the battle area as also for making smoke screens to hide movement of armed troops. Okay. Yes, Yasmin, क्या करो बच्चा? I'm nothing. चलो ठीक है. अब ये slide कौन explain करेगा? Yes, Rohit. Easy से slide है. चलो try करो explain करने की. Yes, ma'am. मैम 84 mm रॉकेट लॉन्चर मैम ये 84 mm का मैम ये रॉकेट लॉन्चर है एंड दिस इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय टैंक्स. मैम ये टैंक्स और बंकर्स वगैरह ऐसा गोला ऐसा दागो होती है सीधे जाके टैंक पे जाएगा पूरा टैंक ब्लास्ट हो जाएगा. मैम इसलिए आपको सामने चल रही है. हां रोहित बताओ आगे. डिस्ट्रॉय करने के लिए हम इस्तेमाल किया जाता है. इट कैन बी यूज्ड टू इल्यूमिनेट द बैटल एरिया. एंड मैम ये इल्यूमिनेट का मतलब मतलब ये क्रिएट किया जाता है लाइक स्मोक. आपने देखा होगा ना उसमें भी वो मूवी में भी वो शेरशाह कहता है कि मैं मतलब क्या बोलते हैं सेफ्टी. तो ऐसा कुछ होता है कि लाइक आपने सपोज वहां पे उसको थ्रो किया तो उससे बहुत ज्यादा स्मोक हो जाएगा तो आपके जो ट्रूप्स है वहां से इजीली भाग सकता है. बहुत ज्यादा धुआं होता है तो ऑब्वियसली किसी को देखना मुश्किल होगा. तो एनिमी क्या है हमारे जो ट्रूप्स को देख नहीं पाएंगे सो उसको सेफ्टी के लिए भी यूज किया जाता है. ओके अपने खुद के ट्रूप सपोज आज आपने उसको ब्लास्ट किया बहुत ज्यादा मतलब स्मोक हो गया वहां पे तो एनिमी जो है वो उस स्मोक के अंदर आपके ट्रूप को नहीं देख सकता और आपके जो ट्रूप से इजीली मूव कर सकता है. ओके रोहित. यस मैम. ठीक है चलो तो ये बहुत इजी था. अब इसमें इतना कुछ नोट्स बनाने की नीड नहीं है बस देखते जाओ. बस इसको इतना ही लिख लो. चलो जो मैं अंडरलाइन कर देती हूँ सारे ही वेपन सबने करना है इसमें. इनफैक्ट वो सारे क्वेश्चन कवर है इस वाले में तो इसको तो जरूर अच्छे से इस वाले लेक्चर को अटेंड करना. बिल्कुल स्किप नहीं करना है. आपके डेफिनेटली क्वेश्चन आता है. ये क्या है? To destroy tanks and bunkers, ठीक है vehicle etc. And also इसको use किया जाता है making smoke screen to hide, ठीक है movement of own troops. खुद के जो troops हैं उनके लिए आप क्या है smoke create करते हो, ऐसे scene create करते हो जिससे वो छुप करके जा सकते हैं. देवांश next is for you. बता दे जाओ तुम सब लोग देखते हो army और ऐसी movies जो होती है सारे ही बच्चों को बहुत पसंद होती है. बता दे जाओ क्या क्या होता है. Okay, मैंने तो अभी बस एक ही देखी थी. इससे पहले कौन सी देखी थी? बॉर्डर देखी थी आई थिंक. और अभी मैंने रिसेंटली वाली देखी थी शेरशाह. ज्यादा मैंने कोई ऐसी मूवीज देखी नहीं है इतना मुझे भी आइडिया नहीं है. चलो ट्राई करते हैं. ओके देवांश रेडी? हाँ स्विच ऑन द कैमरा. चलो नेक्स्ट स्लाइड इज फॉर यू. हाँ जी क्या दिख रहा है अभी देवांश रीड करो. 51 mm मोर्टर, This is used to fire high explosive bombs on enemy. It is an area weapon used which can destroy. मैम ये एक बहुत explosive bomb होता है जो कि enemy पे use किया जा सकता है. Yes.
Yes. It can also fire illumination and smoke bomb. और ये मैम स्मोक भी क्रिएट वही जैसे पहला वाला जो था ना सेम है ठीक है, ये एनिमी के ऊपर एक्सप्लोजिव बॉम्ब है ठीक है, और सुबह जैसे इसको किसने यूज किया जाता है इसको टू डिस्ट्रॉय एनिमी, लिख दो एक्सप्लोजिव बॉम्ब टू डिस्ट्रॉय एनिमी एंड ऑल्सो स्मोक बॉम्ब ठीक है, स्मोक बॉम्ब भी आप जो भी स्मोक बॉम्ब्स होंगे बच्चा वो हमेशा अपने ट्रूप्स की मूवमेंट के लिए भी यूज किए जाते हैं, सो कीप दिस थिंग इन माइंड, जितने भी स्मोक बॉम्ब्स होंगे वो आपके खुद के ट्रूप्स की हेल्प के लिए भी यूज किए जा सकते हैं ताकि वो कैच कर सके, इजीली मूवमेंट कर सके और एनिमी जो है उनको देख ना पाए। यस अर्पिता मैम आप इससे पहले वाले भी दिखा सकते हैं? हाँ जी, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए देन मैं दिखा देती हूँ। ओके चलो नेक्स्ट कौन एक्सप्लेन करेगा, इजी आई थिंक, इतना टफ नहीं है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।